डॉक्टर सुनील करवे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़ लिए कर दोनों चरणों पे, रखा है माथा, सुन लो मेरी विनती देवा पंढरी नाथा। है मन में भाव बिना मैं तेरे द्वार आया, मेहर नजर से देखो मुझको सद्गुरु राया। रात दिन मैं मांगू इतना मेरे विठल से, रख दे प्रभु छोटी जगह तेरे चरणों में। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ श्री साई नाथाय नमः।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा शांति मुक्ति प्रदाता, तेरे चरण मुक्ति धाम भक्तों का सहारा, भक्तों का सहारा। आरती साई बाबा काम क्रोध मोह माया तेरी धुनी में जलाया, अगाध तेरी करनी मोक्ष मार्ग बताया, मार्ग बताया। आरती साई बाबा जिनके मन में जैसी भक्ति उनको वैसी ही प्रचीति, साई नाम ऐसी शक्ति मन में जागे ज्ञान ज्योति, जागे ज्ञान ज्योति। आरती साई बाबा साई ब्रह्म सनातन, साई मोक्ष निदान, साई जी का सुंदर ध्यान हम भक्तों को वरदान, भक्तों को वरदान। आरती साई बाबा। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। साई बाबा आशीर्वाद देते हैं और अपने भक्तों के ख्याल करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। अभी अभी आपने आज नए पर्व से साई वाणी सुनी, साक्षात साई बाबा की आरती और काकड़ आरती का आपने अनुभव लिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। साई वाणी को प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा के प्रति हम जुड़े और साई बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया जीवन में बदलाव लाने के लिए, साई क्रिया और साई ध्यान की हमें क्रांति दी। भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप साई वाणी को प्रारंभ कर रहे और शुरुआत रख रहे, उसको प्रारंभ करो और जारी रख रहे, उसी से अपने जीवन में बदलाव आएगा। साई बाबा का आशीर्वाद हम सबको जीवन में क्रांति और शक्ति देने वाला विश्वास है और वो विश्वास को पाने के लिए मैं कबीर जी को याद करता हूं, मैं दादू को याद करता हूं, मैं नानक जी को याद करता हूं, मैं यीशु ख्रिस्त को याद करता हूं, मैं भगवान कृष्ण के मीरा और भगवान कृष्ण के राधा को याद करता हूं, मैं भक्ति को याद करता हूं, मैं श्री प्रभु श्री राम की भक्ति करने वाले हनुमान जी को याद करता हूं, मैं साई के बायजा माँ को याद करता हूं, मैं साई बाबा की भक्ति के धुन में पूरे विश्व से जुड़ने वाले सभी भक्तों को मैं याद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये प्रणाम मेरा स्वीकार करें और हम चाहेंगे कुछ जीवन में बदलाव लाना है, क्रांति करना है, तो हमें साई वाणी से जुड़ना पड़ेगा और अपने जीवन से क्रांति करने के लिए एक रास्ता, ध्यान का रास्ता चुनना पड़ेगा। यह ध्यान का रास्ता है जीवन में बदलाव लाने के लिए और क्रांति करने के लिए हमें आत्मानुभव की प्राप्ति करनी जरूरी है। और इसलिए परमात्मा का एक वचन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बाबा का भजन, बाबा की शक्ति, बाबा की वाणी, बाबा की जो हमें आशीर्वाद के साथ जुड़ने की शक्ति, यही हमारे जीवन में बदलाव लाएगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई भी किसी भी समय पे, कोई भी उम्र में जब उसको सच्चे भगवान की आस लगती है और प्यार की आस लगती है ना, प्रेम से सुंदर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में साईं बाबा के प्रति हमें प्रेम रखना पड़ेगा। बाबा सिर्फ प्रेम, सच्चाई और अपनापन, समर्पण मांगते हैं। वो जो भक्त बाबा के चरणों में लीन होगा, मुझे पूरा विश्वास है उसके लिए बाबा कुछ ना कुछ नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में बदलाव लाएंगे, क्रांति करेंगे बाबा उसके जीवन में। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं, सिर्फ विश्वास रखिए। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक बहुत राजा, बहुत महान और बहुत बहुत नामचीन राजा था, उसको एक ही लौती बेटी थी, बहुत सुंदर रानी थी वो, बहुत सुंदर बेटी थी उसकी। उनको जब वो शादी के योग्य हो गई तो राजा ने सोचा बेटी की शादी करनी जरूरी है। और फिर राजा स्वयंवर को बुला लेता और कहता है कि मैं ऐसे लड़कों को चुनना चाहता हूं, तीन लड़के जिसमें से वो पूरे राज्य को संभालने के काबिल हो, और उसमें से मैं मेरे एक के साथ मेरी बेटी का ब्याह कर दूंगा। कहानी आप ठीक से सुनिएगा, भक्ति से, शक्ति से, प्रेम से, समर्पण से कही हुई कहानी है। उसे हमें बहुत कुछ लेना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है।
क्यों कहता हूं मैं ये सब कहानियां, कि उससे आप बोध ले ले। जीवन तो यही है, दैनंदिन जीवन में अपने जीवन कार्य में कार्य करना और प्रारंभ करना और जारी रखना, यही जीवन है। अन्न वस्त्र निवारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। मैं खुद डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे कटिबद्ध हूं। मेरे पूरा परिवार, मेरी शक्ति, मेरा पूरा फैला हुआ विश्व में साई का परिवार इसके साथ डट के खड़ा है, और इसलिए इतनी सब शाखाओं की निर्मित हुई है, और साईवानी trust.org इस ई कॉमर्स की भी हमने निर्मित की है। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं, आज मैं सबको एक निवेदन करूंगा नम्रता के साथ, आप जुड़ो साईवानी trust.org इस कॉमर्स से आपको जुड़ना है। ये ई कॉमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके विजन के लिए नहीं, आपके देश को, आपके शक्ति को, अपने कृति को, अपने कार्य को और अपने जीवन के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को आप मद्देनजर रखना और शांति से समझ लेना कि जब तीनों लड़के काबिल होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, राजा उनको एक साल का मौका देता है और एक साल में लड़की भी देखती है, तीनों भी लड़के बहुत एक से बढ़कर एक काबिल है। हर कोई किसी भी चीज में, संस्कृत पठन में हो, ध्यान धारणा में हो, राज्य चलाने में हो, तीरबाजी चलाने में हो, घोड़े सवारी में हो, हर चीज में परिपूर्ण है, लेकिन चुनना तो एक को ही है। तीनों के बारे में वो लड़की बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, तय कर नहीं पाती है मैं किसके साथ शादी करूं, क्योंकि तीनों भी बहुत काबिल होते हैं। फिर क्या होता है पता है? फिर वो दुखी हो जाती है, बीमार हो जाती है, चिंता करने लगती है, जो हमें नहीं करनी है चिंता जीवन में। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुख नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास प्रसिद्धि होती है, पब्लिसिटी होती है। आज भी आप देख रहे हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब चीजें? जीवन इतना अनमोल है, आपको पता है? जीवन किसी को आपके जन्म आपके हाथ में नहीं, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं। जो कुछ भगवान ने दिया, अगर दुख भगवान ने दिया तो सुख भी भगवान ने दिया है, और सुख अगर भगवान ने दिया तो दुख भी भगवान का है। हंसी हंसी झेल लेंगे, लेकिन अपने जीवन को इस तरह से खत्म मत करो। आज का संदेश ठीक से सुनो, लड़की बीमार हो जाती है और बीमार होकर लड़की मर जाती है। लड़की मरने के बाद तीनों जो दोस्त होते हैं, दोस्त तो नहीं बट बाद में हो जाते हैं, बट तीनों लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके जिंदगी का लक्ष्य उनको समझ में नहीं आता, और फिर वो उसको जलाने के बाद जहां उस लड़की को जलाया था उसी एरिया में, उसी मरघट में एक लड़का पूरी जिंदगी वही बैठा रहता है। दूसरा लड़का पागल होके, परेशान होके निकल जाता है सैर करने के लिए, निकल जाता है प्रवास के लिए, निकल जाता है बाहर, पूरे विश्व का भ्रमण करने का सोचता है, और घूमते 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 एक जगह पे चला आता है, एक आश्रम में चला जाता है। तो वहां का आश्रम का जो पुजारी होता है उसके साथ शाम को खाना खाने सब बैठते हैं, तो उसका बेटा उसको बहुत तंग करता है, तो उसको बेटे को उठाता है और अपने जहां खाना बनाया था उस चूल्हे में उसको डाल देता है। तो लड़के को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है मैंने बहुत 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 बुरी चीजें देखी लेकिन इतनी बुरी चीज नहीं देखी कि कोई अपने बेटे को गुस्से से चूल्हे में डाल दे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर वो इंसान हंसता है और बोलता है तू चिंता मत कर, थोड़े टाइम के बाद खाना खाने के बाद उधर चला जाता है, एक मंत्र बोल लेता है और लड़के को फिर से बाहर निकलता है, और लड़का हंसने खेलने लगता है, फिर वही वो मंत्र को समझ लेता है, वहीं से सीधा भागा हुआ जहां अपनी प्रेमिका को जलाया था, जो रानी को, राजा की बेटी को जलाया था, वहां चला जाता है और तुरंत मंत्र बोल लेता है। जैसे ही मंत्र बोल लेता है वो लड़की, वो रानी, राजा की बेटी पूरी जिंदा हो जाती है, और तीसरा एक चीज करता रहता है, कुछ भी नहीं, उसका एक ही काम होता है। तीसरे का काम समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पहला करता है उधर ही बैठा रहता है, दूसरे का काम होता है वो घूमते रहता है, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करता रहता है, राजा के साथ राजा को बैठ के राजा की सेवा करता रहता है, पूरी राजा की सेवा करता रहता है, बाकी कुछ नहीं करता है। तीनों के पास आके लड़की देखती है कि तीनों भी फिर से काबिल है। फिर वही प्रश्न उसके सामने आता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं किसको चुनूं? लेकिन उस समय वो शान से कह सकती है और कहती है, क्या कहती है आप ठीक से सुनिएगा, वो कहती है जिसने मुझे जिंदा किया वो मेरा पिता के समान है, जिसने मैं जाने के बाद मेरे पिताजी का ख्याल किया वो मेरे भाई के समान है, पुत्र का कार्य उसने किया, और जो मेरे लिए मेरे कब्र के पास बैठा रहा।
मेरी धुन में गाता रहा, मेरी धुन में जीता रहा, मेरे लिए ही सब कुछ करता रहा। अपना अपना जीवन जीते समय मैं ही उसके जीवन में 24 घंटे मैं उन्हीं के साथ थी, जो 365 दिन मैं उन्हीं के साथ थी, वो मेरा सच्चा पति हो सकता है। और फिर वो उसके गले में माला डाल देती है। कहने का मतलब आप ठीक से सुनिएगा, सेवा हो सकती है लेकिन भक्ति बहुत अप्रतिम होती है। और उसी को भक्ति को बाबा प्रसन्न होते हैं जो 24 घंटा साईं बाबा की इस विचारधारा के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके राह पर चलने का कार्य करेगा, वही इंसान बड़ा हो सकता है, दूसरा कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमें इस कहानी से यह बोध लेना है कि जैसे वो तीन लड़के अपने अपने परिसे जीवन जी रहे थे, लेकिन जो पहला लड़का था वो बाबा के नाम स्मरण में, लड़की के नाम स्मरण में वही था। हमें 24 घंटा साईं बाबा का नाम स्मरण करके अपने जीवन में बाबा ने दी हुई श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, और मैंने खुद ध्यान से जाना हुआ चीज है, प्रारंभ करो जारी रखो, इसी गुरु मंत्र के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और ये क्रांति हमारे जीवन में बदलाव लाने की क्रांति है। आप मेरे साथ साई क्रिया को प्रारंभ करोगे, 20 मिनट पूरे प्राणायाम की साई क्रिया करने के बाद जो शक्ति आपके अंदर जन्म होगी, वो शक्ति एक भक्ति की शक्ति होगी, ध्यान की शक्ति होगी, साई के प्रति प्यार की शक्ति होगी। और भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं, इसके बाद आप जो शक्ति पाओगे वो अपनी ध्यान, साई ध्यान की शक्ति होगी। मैं कहना चाहता हूं यहां, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प का धन है शक्ति और भक्ति की क्रांति। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक ध्यान को नहीं पा लेते। साईं बाबा ने अपने जीवन में पूरी क्रांति की। ध्यान करने से वो स्थिर हो जाता है और हर कार्य में एकाग्र होके लक्ष्य देके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वो बाबा की भक्ति की शक्ति है, बाबा के ध्यान की शक्ति है। इसलिए मैं आज इतना ही आखिरी में कहना चाहता हूं, उठो, करो, जागो, साई का ध्यान, साई की प्रार्थना। और शिरडी में आप आना चाहते हो, हमसे संपर्क करे हो 9604050607 से लेके नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शंस में आपको नंबर मिलेंगे। हमारे साई वाणी ट्रस्ट से संपर्क करके ये ध्यान का माध्यम है, ये मार्ग है। और जो पुणे में साई आंगन की जो हमने निर्मिति की है, वहां मेडिटेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। ये भक्ति की जो साधना मैं आपके सामने करना चाहता हूं, अभ्यास प्रकट करना पड़ेगा। दिन रात आपको मेहनत करके अभ्यास के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी तो आप जीवन तक पहुंच सकते हो, वरना नहीं पहुंच सकते। भक्ति का मार्ग बहुत ही आसान मार्ग है, लेकिन ध्यान का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन जरूर है, मैं कहना चाहता हूं, कुछ जीवन के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या लक्ष्य रख रहे हो, इसी से जीवन बनेगा। और इसीलिए मैं, क्रांति करना अगर चाहते हो तो साई वाणी से जुड़ना है तो आज ही प्रारंभ करो और उसको जारी रखो कि मुझे साई की भक्ति करनी है। 65 फुट की बाबा की बनी हुई मूर्ति, ये बहुत असाधारण शक्ति की प्रतिमा है। साई बाबा ने हमें शक्ति दी, इसलिए हम इस कार्य को कर पाए। और इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, उठो, जागो, और अपने भक्ति के लिए अपना रास्ता बनाओ। ये भक्ति का जागर करने से पहले जो भजन आज आपने सुना, वो भजन साई बाबा की आरती है, साई बाबा का भजन है। और साई बाबा जब किसी भक्त को अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना और भजन के प्रति उसको प्रसन्नता के साथ जोड़ लेते हैं। और उसके बाद किया हुआ प्रसादम, जो हम अन्न खाते हैं, वो साई बाबा का प्रसाद बोल के आज से खाना शुरू करो। और मैं पूरे सबको विनती करता हूं, आपके आप शाकाहार के प्रति मुड़ो। मांसाहार कोई अच्छा आहार नहीं है, हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ शाकाहार करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से बना हुआ है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि आज अपने जीवन की पंचसूत्री बनाने से पहले अपने जीवन में साई क्रिया, साई ध्यान के प्रति जुड़ो। मैं नहीं कहता किसी चीज में जबरदस्ती, लेकिन जो भी कहता उसको सोचो, जीवन में जिसको हो सके आत्मसात करो। मैं आखिरी में इतना कहना चाहूंगा, एक ही चीज हमेशा हमारे साथ रहेगी और वो है अपना प्यार, प्रेम। और
प्रेम ही मरने के बाद रहता है और उसी को ही हम जीवन कहते हैं। इसीलिए भक्त और गुरु के शिष्य के प्रति जो प्यार होता है वो अपने भगवान के लिए होना चाहिए। मेरे विचार साईं बाबा के प्रति समर्पित है और शिरडी के साईं बाबा ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उसे हमारे जीवन की राह हमें तय करनी है और हमें वहां तक चलना है जहां तक हमारा लक्ष्य तय है। और हमारा लक्ष्य है परिपूर्ण जीवन और प्यार भरा जीवन। इसीलिए मैं आखिरी में एक ही बात कहूंगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को न पालोगे, साई भक्ति में लीन हो जाओ, साई बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। प्रणाम।